नमस्कार, महुआ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित तिवारी। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सड़क सुरक्षा के चौथे दिन सहायक परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकार के निर्देश का पालन करते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में रंगोली कला और भाषण प्रतियोगिता के सम्पन्न कराई गयी। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर से सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हो गया है। आज संपन्न हुई जन जागरूकता प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के पालन करने की अपील विभागीय अधिकारियों ने प्रतियोगिताओं में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ये विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह का ये चौथा दिन है। आज के दिन विभिन्न विद्यालयों से आए हुए विद्यार्थियों के मध्य रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता, जो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा से संबंधित है, इस विषय पर कराई जा रही है। इन जो भी इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ग के आएंगे उनको विद्यार्थी, उनको प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा। तो फिलहाल जो जन जागरण के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इस समय बहुत सराहनीय कार्यक्रम महोबा में किए जा रहे हैं। एक एक बच्चे को जागरूक किया जा रहा है, बच्चों को समझाया जा रहा है। जो नियम और कानून बनाए गए हैं शासन के द्वारा, वो उसको लागू करने के लिए यहाँ का पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है और वो एक मानव जीवन की रक्षा के लिए लगा हुआ है। तो वो आवश्यक है कि एक एक व्यक्ति उसमें जन जागरण के तहत वो उसका पालन करे। अब क्योंकि जो नियम कानून है वो हमारे लिए बनाए जाते हैं और हम ही लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए उनका पालन करना परम आवश्यक है। यहाँ पर रंगोली प्रतियोगिताएँ हो रही हैं, भाषण प्रतियोगिताएँ हो रही हैं, रैली निकाली जा रही है। महोबा जनपद हमारे ख्याल से इस समय जो कार्यक्रम कर रहा है, मैंने अभी देखा जगह जगह यहाँ पर सब जगह प्रचार वाहन घूम रहे हैं, होर्डिंग लगी है, इसका नंबर मेरे हिसाब से तो कहीं उत्तर प्रदेश में प्रथम माना जाए। सड़क सुरक्षा सप्ताह जीवन रक्षा सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम में विभिन्न जो है आयामों के तहत रखा गया। 14 तारीख को एक रैली निकाली गई यहीं से बालिका इंटर कॉलेज से, और 15 तारीख को विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में संगोष्ठी हुई और रैली निकाली गई। इसके बाद ये तय हुआ कि भाई कुलपहाड़ और चरखाई तहसील में भी एक संगोष्ठी की जाए, ताकि इसका संदेश जो ग्रामीण अंचल से बालक आते हैं पढ़ने उनके तक पहुँचे और वो अपने गार्जियन को भी प्रेरित करें कि वास्तव में जो है हमें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एक कुछ ऐसे संकल्प लेना है जिससे ये हमारा अमूल्य जीवन बच सके।